नमस्कार दोस्तों, तांसी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सुपर सॉफ्ट और स्पंजी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में हम 4 चम्मच बेसन लेंगे। तो इसी चम्मच से हम 4 बड़े चम्मच बेसन लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चुटकी हम हींग डालेंगे इसमें। यहाँ पे छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम जब कढ़ी बनाएंगे तो उसमें भी हम नमक डालेंगे, तो नमक यहाँ पे हमें हिसाब से रखना है। तब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक बैटर बनाएंगे। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे कि ताकि बेसन में लम्स ना बने। तो खूब अच्छे से हमें इसे फेंटना है कि हमारे जो पकौड़े बने वो सुपर स्पंजी सॉफ्ट बने। तो इसे हमें अच्छे से मिलाना है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम अच्छे से फेटेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इसे अभी हम और फेटेंगे। तो ये देखिए, इस फेटने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैटर तैयार हुआ कि। तो ये देखिए, अभी ये पानी में नीचे बैठ रहा है, इसका मतलब इसे अभी और फेटना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर पानी में ऊपर तैरने ना लगे। तो इसे अभी हम और फेटेंगे। ये देखिए, फेटते फेटते और भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, अभी ये पानी में ऊपर ऐसे तैर रहा है, ये देखिए। तो ये अब हमारे पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम पकोड़े को फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो ध्यान रखिए कि कढ़ी पकौड़ा जब भी बनाइए आप सरसों के तेल में बनाइए, उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और टेस्टी बनता है आपके कढ़ी पकौड़े। तो तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम एक एक करके पकौड़े का बैटर डालेंगे ऐसे। देखिए, तो पकौड़े का हम बैटर ऐसे डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया। अब इसे हम उलट पुलट कर अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे उलट पुलट कर लाल होने तक अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। चलिए अब हम कढ़ी बनाने के लिए, हम यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच दही लिया है और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच इसी चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डाला मैंने इसमें दही में, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दही के घोल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डाल रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल के इस घोल को हम पतला करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे पहले इसको, दही और बेसन को इस पानी में। ये देखिए,
तो ध्यान रखिए जब भी आप कढ़ी बनाइए तो दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए और बेसन की कम, उससे बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में हम तेल को कम करके उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाला, आधा छोटे चम्मच राई डाला, मैंने हींग डाला 1 चुटकी, और यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ तड़के के लिए। अब तड़के को अच्छे से हम मिला लेंगे। तड़का रेडी हो गया है। अब इसमें हमने जो दही और बेसन का घोल बनाया था उसे हम डालेंगे और इसे हम तड़के के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें और पानी डालेंगे। तो कढ़ी आपको जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें अभी हम और पानी डालेंगे क्योंकि जैसे ही जैसे बेसन और दही पकता है वैसे वैसे कढ़ी हमारी गाढ़ी होती जाती है। तो जैसे जैसे गाढ़ी होती जाए वैसे वैसे उस हिसाब से आप पानी डालते जाइए। इसमें मैंने और पानी डाला और अच्छे से मिला लिया। मुझे यहाँ पे हल्दी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पे हल्दी और थोड़ा सा डाला मैंने, तो इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए तो ये देखिए कढ़ी हमारी में उबाल आने लगा है। कढ़ी में उबाल आने लगा है, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हमने जो पकोड़े फ्राई किए थे वो अब हम इसमें डालेंगे। जैसे ही कढ़ी में उबाल आएगा हम पकोड़े को इसमें डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे इसके अंदर, कढ़ी के अंदर पकोड़ों को। तो ये देखिए तो हमारा कढ़ी पकोड़ा लगभग बनकर तैयार ही है। इसमें हम एक उबाल और आने देंगे तो पकौड़े भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी और फूले फूले बने हैं। कढ़ी भी हमारी बन चुकी है, इसमें उबाल आ चुका है। इसे हम एक बार मिला लेंगे तो बस बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखिए कढ़ी पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए, कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।